सभी को प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। जब आप टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी हाई आ जाती है तो आप घबरा जाते हैं, आप हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का कोई स्थायी इलाज नहीं है। आप अपने आप ही इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें और कोलेस्ट्रॉल से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई तरह की ऐसी बीमारियां जो आपके लिए बहुत घातक है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो आप आहार लेते हैं, यदि उसका ठीक से पाचन नहीं हो पाता, लिवर उसे ठीक से पचा नहीं पाता, तो फैट डिपॉजिट होने लगता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में या कोलेस्ट्रॉल के रूप में। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर आपको एनिमल प्रोडक्ट्स को बंद करना होगा। तो आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप किसी भी तरह का नॉनवेज हो, अंडा, मांस, मछली, चिकन, कुछ भी, आप सब बंद कर दीजिए यदि आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी को उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा कारण है। बीमारी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और कई तरह के आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो लगभग 130 से 150 के बीच, 150 तक आपकी रहे तो ठीक है। इससे अधिक यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसा हम अपने आहार में क्या लें जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी कम हो जाए और जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो वो ठीक हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने लीवर को ठीक करना होगा। लीवर को ठीक करने के लिए आपको तली हुई चीज़ें बंद करनी होंगी, जितने भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उनकी मात्रा को कम कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आप दूध का सेवन भी बंद कर दें। यदि देसी गाय का दूध आपके पास है तो आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। दूसरा, आप खाने में हरी सब्जियां सलाद के फॉर्म में प्रयोग करें, फलों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आप जो दिन भर में खाते हैं उसमें लगभग 50% आपका कच्चा आहार होना चाहिए। सब्जियां सलाद के फॉर्म में मैंने आपको बताई, फल होने चाहिए, अंकुरित अनाज होना चाहिए, और जिनका पाचन ठीक है तो वो चना और सोयाबीन का प्रयोग भी कर सकते हैं अंकुरित करके। आप अपने भोजन में ऑयली चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें, तली हुई चीज़ें जितना आप कम से कम लेंगे, और बाहर का भोजन तो आप बिल्कुल ही ना करें। बाहर की जो तली हुई चीज़ें हैं उसमें जो बार बार दुकानों पर एक ही तेल में बार बार चीज़ों को तला जाता है वो और भी खतरनाक हो जाता है। उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। तो ट्रांस फैट आपकी बॉडी में कम से कम जाए, इसके लिए डब्बेबंद चीज़ें आप बिल्कुल बंद करो। बाहर की जितनी भी डब्बेबंद चीज़ें आप जूसेस पीते हैं या कोई भी डब्बेबंद चीज़ें उनको आप बंद कर दीजिए कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए। और योग का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें बहुत ही हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, आपकी नाड़ियों की शक्ति को बढ़ाता है। तो जितना भी डिपॉजिट जो टॉक्सिन्स है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र शरीर का ठीक से कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आप नियमित रूप से वॉक करें, सूर्य नमस्कार करें, नाड़ी शोधन करें, और अपने आप को तनाव से रहित रखें। तनावपूर्ण स्थिति में आप जीवन को न जिए। नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नॉनवेज बिल्कुल किसी भी रूप में आप नॉनवेज ना लें। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे, और यही आपके लिए एक सरल उपाय है। क्योंकि आप दवाइयाँ यदि खाते रहते हैं तो दवाइयाँ खाने से आपके लीवर पर और उसका साइड इफ़ेक्ट आता है, और कई बार बाहर से आप आहार के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते लेकिन लीवर अपने आप कोलेस्ट्रॉल को बनाने लगता है। अधिक मात्रा में जब लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है तो वह भी बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाता है। तो लीवर को ठीक करने के लिए आप अदरक
कि एक चाय बनाएं, अदरक सुबह के समय खाली पेट थोड़ा कूट कर अदरक डालें, उसमें थोड़ा तुलसी डाल लीजिए 3-4 पत्ते, थोड़ा दालचीनी, आप उसको बॉयल करके एक चाय की तरह आप सुबह खाली पेट इसको पी सकते हैं। दालचीनी की मात्रा थोड़ा कम रखें, जिनको पित्त की प्रकृति है कई बार उनको एसिडिटी बढ़ जाती है, तो आप मात्रा अनुपात का भेद रखें, मात्रा के अनुसार ही आप इनका सेवन करें। एसिडिटी की प्रकृति वाले थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो चाय आप खाली पेट लें, लहसुन का आप खाने में प्रयोग करें और मेथी का प्रयोग करें, ये सब कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाले पदार्थ हैं। दूसरा त्रिफला, आप रात को सोने से पहले त्रिफला पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी से पीकर सोएं, और त्रिफला गूगल भी मार्केट में अवेलेबल है, तो 2-2 गोली आप त्रिफला गूगल की भी आप ले सकते हैं, तो इससे आपका पेट भी ठीक होगा, आपका लीवर भी ठीक होगा और जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वह भी आपका ठीक होगा। तो आप इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाएं और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें नेचुरल तरीके से, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।